हाँ, तीन तरह के इसके अंदर ये सीड डालने के जो तवियां हैं, ये तीन तरह की। एक तो है आपका सरसों और बाजरा के लिए, दूसरा है आपका कपास के लिए, धान के लिए और मक्का है, चना है, सोयाबीन है, मूंग है, उड़द है, मटर है, भिंडी है, मतलब इस पर काफी प्रकार की जो फसलें हैं जी। ये बिजाई इस तरीके से करेगा। और एक जानकारी और दे दूं, इन औजारों पे हमारी भारत सरकार सब्सिडी दे रही है हमारे किसानों को, और वो स्कीम है सीआरएम स्कीम। सीआरएम स्कीम के तहत हरियाणा और पंजाब और यूपी और कुछ तो रोटावेटर होगी, हाँ, सुपर सीडर होगी, हाँ, से गेहूं हो गया, ज्वार हो गया, जो हो गया जी, तो वो फसलें इसके साथ में बिजाई कर सका। हाँ ठीक है। और जी अच्छा ये बताओ, अब सबसे बड़ी बात है इसकी लागत इसकी कितनी है, कॉस्ट कितनी है? हाँ, इसकी अगर जो ये तीनों आइटम तो लेना चाहिए। हाँ दोस्तों तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त करमपाल, और भाई ये है फील्ड मार्शल कंपनी का सुपर सीडर, लेकिन इसके ऊपर लिखा हुआ है ऑल इन वन सुपर सीडर। भाई ऑल इन वन ये कैसे है और क्या इसकी खासियत है, जो खेती में क्रांति आई हुई है, जो नए नए कृषि यंत्र आ रहे हैं, तो ये ऑल इन वन सुपर सीडर कैसे है, इस बारे में भाई जेपी जाखड़ हमारे साथ हैं, किसान भी हैं और कृषि इंजीनियर भी, अमीन नकेश कहाँ, इसके बारे में बात करेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई, बताओ इसके बारे में ऑल इन वन कैसे है ये? भाई सारी बात बतावांगे, सब तो पहले तो जो पड़ताल न्यूज जो देखने वाले अपने दर्शक साथी हैं और अपने सारे किसान बहन भाई हैं, इनका जेपी जाखड़ की तरफ से और फील्ड मार्शल कंपनी की तरफ से आजुड़ के राम राम। और वे अपने स्टॉल पर पहुंचे, यहाँ पहुँचने पर इस चैनल का, पड़ताल न्यूज चैनल का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। क्या ऑल इन वन कैसे है? ऑल इन वन कैसे है ये, बिल्कुल आपका पॉइंट अच्छा था गिल साहब। फील्ड मार्शल 813 ऑल इन वन सुपर सीडर, ऑल इन वन का मतलब है ये बहुत सारी फसलों को बिजाई कर सकता है। कौन कौन सी? ये जैसे गेहूं है, चना है, मक्का है, सोयाबीन है और सरसों बाजरा वगैरह सब कुछ ये एक ही में बिजाई कर देगा। अच्छा। और दूसरा है नरमा वगैरह जो कॉटन सीड ड्रिल, मतलब उसको भी ये बिजाई करेगा जी। और तीसरा आ गया ऑल इन वन, मतलब ये भी दो भागों में बट जाएगा। अच्छा। जैसे अब ये सुपर सीडर, हाँ सुपर सीडर है, जिस टाइम पे ये ट्रैक्टर हमने रोटावेटर में यूज करना है, इसको रोटावेटर में यूज करना है, तो उस टाइम पे जो ये स्टैंड आपने दिखाई दे रहा है, हाँ। ये अच्छे से दिखाओ भाई, ये जो स्टैंड दिखाई दे रहा है ये ट्रैक्टर पे जिस टाइम पे लिफ्टों पे होगा, उस टाइम पे ये जो ये मोगा आपने दिख रहा है, हाँ। ये होल दिख रहा है, हाँ। यहाँ पे ये आ जाएगा और ये हो जाएगा, ये इस अवस्था में आ गया, ये पार्किंग हो गया। अच्छा, मतलब ये वो पीछे वाली जो ड्रिल मशीन अलग हो जाएगी, ये अलग हो जाएगी। और वो कैसे अलग होगी, हाँ। उसके लिए हमने चाबी पाना उठाने की जरूरत नहीं है, हाँ। भाई कोई चाबी या थोड़ा पाना कुछ नहीं लेना, ये पिन है, इधर से दिखाओ जी, हाँ। ये पिन है, ये खुल गई। अच्छा। और इसको इस तरफ में हम दिखाएंगे, हाँ। ये निकल जाएगी जी। जैसे हम एक आम कोई भी औजार को हम जोड़ते छोड़ते ना, ठीक उसी प्रक्रिया में जी। फिर यहाँ से हमने ये जो टॉपलिंग भी बोलते हैं, इसमें डंडा भी बोलते हैं जी, जो टॉपलिंग डंडा इसने बोला, हाँ हाँ हाँ। फिर इसने यहाँ से निकाल दियो इस पिन को जी, एक यहाँ से कैड का मतलब जो तीन पिन को हटाना है, और ये पार्किंग पे जो स्टैंड है जी, ये इस पे रह जाएगा। अच्छा, स्टैंड दोनों तरफ है? दोनों तरफ स्टैंड लगाना है, हाँ। दोनों तरफ से पिन निकालनी है, हाँ। ठीक है, तो ये फिर इस अवस्था में रह जाएगी ये मशीन, ठीक है, ठीक है, मशीन अलग हो जाएगी और रोटावेटर में यूज आप कर सका जी। वो किस तरीके का रोटावेटर, दूसरे पार्ट में हमने यहाँ दिखाने के लिए जी ये दिखा रखा है, ये इस अवस्था में आ जाएगा रोटावेटर। ये देखो अब ये रोटावेटर हो गया, वो जो मशीन आपने अभी वहाँ देखी थी, हाँ। वो मशीन अब यहाँ दो पार्ट में होगी है, एक पार्ट में तो ये हो गई है और एक पार्ट में वो पीछे हो गई है, ये दोनों अलग अलग हो गए हैं, हाँ ये अलग अलग हो गए जी। फिर पहले क्या था, ये मशीन है ना अकेली इस तरीके से स्टैंड पे पार्किंग हो जाया करती जी, लेकिन अब की बारिश मेले में हमने नया केले क्या है, यहाँ नया यही है, मतलब यहाँ पे ये जो दोनों पहिए लगाए हुए हैं जी, ये तो है इस मशीन का
मतलब लेवल एक मतलब जजमेंट जो है वो बनाए रखने के लिए, ये है ट्रैक्टर में अटैच होने के लिए। ये मशीन हमने लगा दी इस तरीके से, तो ये जीरो ड्रिल जिसने जीरो टिल सीड ड्रिल बोलते हैं वो मशीन बन गई। अब ये जैसे ये मशीन है, आपको मैं पीछे की तरफ ले जाना चाहूँगा, इस तरफ से आ जाओ जी। एक अच्छा इधर से भी देखते हैं, गजब की मशीन है ये तो जी। ये आ गया, ये तो जीरो ड्रिल थी जी। उसके बाद में जैसे हमने सरसों बिजाई करना है, मक्का चना, मक्का सोयाबीन, मतलब इस प्रकार की जो मैंने फसलों का मूंगफली वगैरह बहुत सारी सब्जियों को भी ये बिजाई करेगी जी। उनके लिए क्या करना है, ये जो बारीक सुराख है जी। बारीक सुराख का मतलब जैसे छोटा दाना होता है हमारा, सरसों है, बाजरा है, मतलब काफी प्रकार की फसलों का एक बारीक दाना होता है जी। वो जो बारीक दाना है उसके लिए तो इन तवे में वो सीड को जमीन में छोड़ देगी। मैं कैमरामैन कहूंगा थोड़ा नजदीक से दिखाएंगे, नजदीक से दिखाओगे ये जो बारीक दाने हैं। हाँ, यहाँ से वो बाजरा है, सरसों है। अच्छा, ठीक है। और फिर उसके अलावा दूसरे नंबर पे आती है, जैसे हमने नरमा बिजाई करना है या मक्का बिजाई करना है, उनके लिए धान भी बिजाई करना है, जैसे DSR उसको बोलते हैं, धान भी की सीधी विधि से डायरेक्ट जमीन में बिजाई करना है, उसके लिए ये बोल्ट खुलेगा और यहाँ तवियां चेंज हो जाएगी। ये दिखाओ भाई, ये बोल्ट खुल जाएगा। हाँ, और ये अलग हो जाएगी, ये अलग हो जाएगी इसी की जगह। हाँ, अलग से जो थोड़ा चौड़े सुराख वाली वह लग जाएगी। अच्छा, ठीक है जी। और फिर क्या आता है, जैसे मूंगफली है, राजमा वगैरह, जो मोटे किस्म का एक दाना आ गया, तो उनके लिए भी ठीक इसी प्रकार से ये यहाँ से खुलेगी और वो अलग से पार्ट लग जाएगा, दूसरे अलग रहेंगे तीनों। हाँ, तीन तरह के। हाँ, तीन तरह के इसके अंदर ये सीड डालने के जो तवियां हैं, ये तीन तरह की। एक तो है आपका सरसों और बाजरा के लिए। हाँ, दूसरा है आपका कपास के लिए, धान के लिए, धान के लिए, और मक्का है, चना है, सोयाबीन है, मूंग है, उड़द है, मटर है, भिंडी है, मतलब इस पर काफी प्रकार की जो फसलें हैं ये बिजाई इस तरीके से करेगा। दूसरा ये है, जैसे हमने मतलब इसको इस तरीके से किया है, किसान के चोट फेट ना लगे, इसको आरामदारी से बीज को, खाद को वो संभाल सके। एक बार अंदर से आप दिखाओ, मैं इस टाइप को दिखाता हूँ। ये देखो भाई, ये इसके अंदर तो खाद डलेगा। हाँ, और इसके अंदर बीज डलेगा जी। इसके अंदर भी फिर बीज डलेगा, आगे वाले के अंदर तो खाद डलेगा। हाँ, और ये पीछे वाले के अंदर इसमें बीज डलेगा। हाँ, और जी जैसे नरमा वगैरह बिजाई करना है, चना बिजाई करना है, सरसों बाजरा बिजाई करना है, तो वो इसके अंदर चलेगा जी। जो एक एक दाने की रूटीन के अनुसार बिजाई होता है। यहाँ इसमें कौन सा बीज डलेगा ये दिखाओ। ये गेहूँ, ज्वार, सोयाबीन, मतलब इस प्रकार का कोई भी है ना, मतलब जैसे गेहूं हो गया, ज्वार हो गया, जो हो गया जी, तो वो फसलें इसके साथ में हम बिजाई कर सका। हाँ, ठीक है। और जी अच्छा ये बताओ, अब सबसे बड़ी बात है, इसकी लागत इसकी कितनी है, कॉस्ट कितनी है? हाँ, इसकी अगर जो ये तीनों आइटम तो लेना चाहिए। हाँ, तो इसकी कॉस्ट हो जाती है 3 लाख रुपए। अच्छा, और जैसे वो मशीन आपने दिखाई दे रही थी। हाँ, हाँ, वो मशीन है 2,65,000 रुपए की। वो मशीन 2,65,000 की। हाँ, हाँ, उसमें क्या क्या हो गया? उसमें क्या हो गया, मतलब एक तो जो ये अटैचमेंट हमने जिसको ड्रिल के रूप दिया है, 10,000 रुपए इसके बढ़ गए हैं, और 25,000 रुपए इस मशीन के बढ़ गए, जो हमारा सरसों है, बाजरा है, चना, मक्का, मतलब इस तरीके की जो ये फसलें बिजाई करेगी, 25,000 रुपए इस मशीन के कॉस्ट है जो इसके साथ में बढ़ गई है जी। तो ये मशीन है आपकी 3 लाख की, 3 लाख रुपए की। और इस पे जो लाख में क्या क्या काम करेगी ये? इस पे ऑल इन वन, मतलब जो वो अलग से है ना, रोटावेटर जो खेत की जुताई भी करेगा। हाँ, और मतलब जमीन की जो नमी है। हाँ, वो भी बिल्कुल बरकरार रखेगा। पहले क्या होता था, जो रोटावेटर होता था ना जी, रोटावेटर तो इस तरीके से फट्टे से मिट्टी को लेके चलता था जी, तो ये जमीन में थोथ रह जाती थी। हाँ, थोथ रहेगी तो उसके अंदर हवा निकलेगी जी, कोई भी बीज अगर छिट्टा बीज से छिड़का बीज से हमने बिजाई कराया है, वो अंकुरित होने के बाद ठीक दो दो तीन तीन आंगल का हो जाता जी, तो पानी कि वो मांग कर ले, और पानी देने में किसान ने 1-2-4 दिन लेट सवेर हो जाता जी, तो वो उड़ जाता था जी, क्योंकि उसकी जड़ के अंदर नमी नहीं है, वो खुशक में चली गई है, वो जमीन के अंदर नमी बनाए रखेगा। तो रोटावेटर होगी। हाँ, सुपर सीडर होगी। हाँ, नीचे उतर जाते हैं, नीचे उतर जाते हैं। देखो ये भी जगह दिखाओ जहाँ हम खड़े थे, किसान के खड़े होने के लिए बहुत अच्छी ये स्टैंड भी यहाँ बना दिया है।
अब ये जैसे इसके अंदर भी ये हमने जमीन जो बीज छोड़ेगी ये थवियां इसके लिए भी हमने इसको जो सुहागे वाला काम करती है यहाँ रुला दिया हुआ है। अच्छा। ये सुहागे बिल्कुल एक सार जो प्रेस करता हुआ चलेगा और इस यही सुहागे काम करेगा। हाँ यही करेगा। अच्छा। अगर इसको हटाना चाहे ये मान लो ज्यादा गिल्ली जमीन है और कच्ची आयल में बोआ हाँ भाई इसको ज्यादा जमीन कच्ची है कच्ची आयल जिसने बोला हाँ उसमें बोना चाहे और इसने ऊपर करना चाहे तो ये ऊपर इस तरह यहाँ आके फोल्ड हो जाता है। अच्छा। हाँ। ये फोल्ड भी हो जाएगा भाई ये तो गजब की चीज है। ये पिन हटने के बाद में हाँ। ये पायदान भी और ये भी। अच्छा ये फोल्ड हो जाता है भाई ये देखो ये जो सुहागा काम भी करेगी सुहागा जब लगाना चाहो तो लगा लो हटाना चाहो तो ये सुहागा हट भी जाएगा और सुपर सीडर काम करेगा इसके साथ में जो आगे है रोटावेटर है उसका भी काम करेगा जी। हाँ रोटावेटर के बारे में डिटेल से रोटावेटर के बारे में डिटेल से हम बतावांगे अपने किसान भाइयों ने। आपने मेरे किसान भाइयों जो रोटावेटर है मुझे देखे हैं तो वो क्या है इस तरीके से फट्टा होता है जी। तो वो फट्टा इस तरीके से मिट्टी को लेके जाता है और ये रुला क्या करता है ये रुला बिल्कुल ज़बरदस्ती प्रेस करता है ज़मीन को जी। रोटावेटर की ज़मीन में थोत रह जाती है इसकी ज़मीन में थोत नहीं रहती। थोत नहीं रहेगी। हाँ और ठीक इसी प्रकार जैसे दाना ही धरती है हम कद्दू करा हम कद्दू कर देने भी वो मिट्टी ने इस तरीके से ले जाओ है ऊंची नीची वो ठेक बना दे यू इसमें ठेक नहीं बनाओगा उसका इस तरीके से मिक्स करे एक मुलायम बना देगा ज़मीन ने तो गोल जिसने बोला करा वो पूरे किला का गोल बड़ा अच्छा तरीका तो बना हुआ है एक लेवल नहीं बिगड़ देता यू और इसमें खाली ज़मीन जो है बहुत सारे किसान कहते हैं भाई हमने तो थोथी ज़मीन चाहिए थी जी। तो थोथी सिस्टम हमने छोड़नी है गाम बाल सिस्टम लाना है हाँ। इस नट को भी खोल दो और उस नट को भी खोल दो जी। तो ये फट्टा ऊपर उठ जाएगा ठीक है ये यहाँ आ जाएगा हाँ। तो जिस टाइम हमने खाली ज़मीन को मतलब गाम बाल लगाने के लिए छोड़ना है जुताई करके तो ये खाली भी छोड़ देता है खाली भी छोड़ देंगे। अच्छा ये बताओ अब सबसे बड़ी बात है आपने कीमत भी इसकी बता दी और पहले तो बताओ रोटावेटर अलग लेना चाहें सुपर सीडर अलग लेना चाहें तो क्या कीमत हाँ इसकी? हाँ ये बिल्कुल अच्छा सवाल है। अलग अलग भागों में अगर हम लेना चाहें जैसे एक इधर आ जाओ आपने देखो हाँ। जैसे ये पार्ट अलग लेना चाहे हाँ। और ये पार्ट अलग से खरीदना चाहे किसान के सामने कई बार चुनौतियाँ खड़ी हो जाती हैं भाई ये हमारी मतलब ऐसी स्थिति में नहीं है हम एक बार में इतनी कीमत चुका सकें तो उस अवस्था में क्या करना है जो ये यो रोटावेटर है जी। इसको सुपर सीडर वाला रोटावेटर बोला हमें अच्छा। इसकी कीमत है 1,75,000 रुपये और एक आम रोटावेटर है आम रोटावेटर की कीमत है 8 फुट के जिक्र कर रहा हूँ मैं 8 फुट का रोटावेटर अभी इसने बोला हाँ उसकी 1,25,000 रुपये है कहने का मतलब मोटा मोटी 50,000 रुपये इसकी कीमत बढ़ गई और दूसरा ही बात ना बतावांगे जो क्यों बढ़ेगी हाँ। दूसरी बात ये भी आ जाएगी अपने किसान भाई में बहुत ज़्यादा महंगी कॉस्ट चलेगी ये पूरा गेयर ड्राइव दे दिया। अच्छा ये क्या फायदा रहेगा हाँ ये गेयर ड्राइव दे दिया और ये ज़मीन को है ना जो वो बता रहे थे भाई लेवल नहीं पकड़ने देगा। अच्छा ये इसी वजह से गेयर ड्राइव होने की वजह से ये जो कॉस्ट है वो बढ़ गई ठीक है 1,75,000 का तो ये हो गया हाँ 1,00,000 और फिर ये हो गया और ये हो गया 1,25,000 रुपये 1,25,000 रुपये का आपका ये सुपर सीडर हो गया हाँ तो ये 3,00,000 रुपए का चला गया 3,00,000 रुपए का टोटल हो गया ये अगर आज मेले में इसको खरीदना चाहें तो इसकी 15,000 रुपए डिस्काउंट है किसान को। और ये कहाँ से मिलेगा किसान भाई जो वीडियो देख रहे हैं लेना चाहें तो? देख रहे हैं जो किसान भाई लेना चाहे ये कंपनी हांसी में है अनाज मंडी के पास जींद रोड पे नई अनाज मंडी पुरानी है एक ही अनाज मंडी है एक ही अनाज मंडी है जिसको अनाज मंडी जींद रोड हांसी। अच्छा तो वहाँ फील्ड मार्शल कंपनी के नाम से कोई भी अपना किसान भाई अगर मैप पे भी सर्च करेगा हाँ। तब भी वो ढूंढ लेगा आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर बता दो कॉन्टेक्ट नंबर भी बताऊंगा और काफी सारी वीडियो जैसे धान में चलते हुए गार्ड मार देगी या सूखे में चलते हुए वीडियो भी अगर देखना चाहे और दूसरा है भाई मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 98 96 78 20 70
98967-82070। तो वो किसान भाई किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी। अच्छा, इनके अलावा और भी कुछ रखते हो आप? हाँ हाँ, बहुत प्रकार के औजार हैं, जैसे सट्रा रिपर है, रोटावेटर है, लेजर लेवलर है, कॉटन सीड ड्रिल है, जीरो टिल सीड ड्रिल है, रिवर्सिबल एमबी प्लाउ है। ये जीरो टिल सीड ड्रिल है। अच्छा। ये 11 टाइन में 13 टाइन में 15 टाइन में है। जी। और ये रिवर्सिबल हाइड्रोलिक रिवर्सिबल प्लाउ बोलते हैं, जो जमीन को मतलब एक पलट देता है। पलट देता है। हाँ जी भाई, ये देखो जमीन को पलटने वाली, क्या नाम बताया इसका आपने? रिवर्सिबल हाइड्रोलिक प्लाउ। हाँ जी, रिवर्सिबल हाइड्रोलिक प्लाउ टू बॉटम में जी, ये थ्री बॉटम में भी है जी। और एक जानकारी और दे दूं। हाँ। इन औजारों पे हमारी भारत सरकार सब्सिडी दे रही है हमारे किसानों को, और वो स्कीम है सीआरएम स्कीम। सीआरएम स्कीम के तहत हरियाणा और पंजाब और यूपी और कुछ एक एरिया अपना जो दिल्ली का है, दिल्ली के किसानों के लिए वो सब्सिडी देती है। वो क्यों देती है? ताकि हमारे जो किसान है पराली में आग ना लगा हुआ। आपसे जो खरीदना चाहे उनको भी सब्सिडी का लाभ मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा। पूरे इंडिया में कोई भी कहीं भी अपने औजार को खरीद सकता है, और जो बाहर के अपने किसान हैं वो अपने नजदीकी डीलर का भी नंबर अपना ले सकते हैं। हाँ जी, पूरे भारत में हमारी ये मशीनें फील्ड मार्शल की मिल जाएंगी। मिल जाएंगी। ये हमारे साथ है जेपी जाखड़ जी, आंसी में इनकी जो जहाँ ये प्रोडक्शन होता है। एड्रेस इन्होंने बता दिया, अपना फोन नंबर बता दिया। ऑल इन वन सुपर सीडर इन्होंने ये दिखाई है, बहुत ही गजब की किस्म है। और भी जो जो नए नए कृषि यंत्रान लग रहे हैं किसानों के लिए बहुत उपयोगी साबित होने लग रहे हैं। आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जाखड़ जी से आपको खरीदनी है तो संपर्क करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद। थैंक यू जाखड़ साहब। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।